हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, व्हाट्स अप एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ मेरे बहुत ही खूबसूरत से दुल्हनिया इयररिंग्स, जो कि मैंने अपनी कजन सिस्टर की शादी में पहने थे और उसका भी ब्लॉग मैंने आप सबके साथ शेयर किया था। अगर आप में से अभी तक वो ब्लॉग किसी ने देखा नहीं है तो मैं ऊपर आई बटन में दे दूंगी, प्लीज़ जाके चेक कीजिएगा। वो एक शादी ब्लॉग था। तो उस शादी में मैंने पहने थे अपने दुल्हनिया इयररिंग्स और आप में से भी बहुत लोग मुझसे पूछ रहे थे कि वो मैंने कहाँ से लिए। इंस्टाग्राम में मुझे काफ़ी डीएम्स आए थे जब मैंने वहाँ पे अपनी रील अपलोड की थी, तो सब मुझसे पूछ रहे थे मैंने कहाँ से लिए, कैसे कस्टमाइज़ करवाया। इंस्टाग्राम से याद आया, अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया है तो मैं लिंक अपने इंस्टाग्राम का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, प्लीज़ वहाँ से जाके चेक कीजिएगा एंड मेक श्योर आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करते हो। तो चलिए बात करते हैं आज की वीडियो की। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि वो मैंने कहाँ से लिए, कैसे कस्टमाइज़ करवाया और भी बहुत सारी चीज़ें, तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर दीजिए, और वीडियो अगर आपको अच्छी लगेगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो। एक्चुअली जो वो दुल्हनिया इयररिंग्स थे ना, वो मैंने कस्टमाइज़ नहीं करवाए थे। जी हाँ, वो मैंने नहीं कस्टमाइज़ करवाए थे, वो मुझे एज अ गिफ्ट मिले थे जो मेरी कज़न सिस्टर ने मुझे दिए थे मेरी मेहंदी में पहनने के लिए। लेकिन उस वक्त कोरोना चल रहा था और कुछ भी चीज़ें हमें ऑन टाइम डिलीवरी नहीं मिल पा रही थी, तो वो मुझे थोड़ा लेट रिसीव हुआ था। वो मुझे मेरी हल्दी के बाद रिसीव हुआ था, तो मैंने सोचा कि मेरा हल्दी फंक्शन भी चला गया, मेहंदी फंक्शन भी चला गया, तो मैं कब पहनती, तो मैंने उसको एज इट इज़ रख दिया था। और उसके बाद वो मैंने पार्सल खोला नहीं था, और वो पार्सल मैंने उस वक्त खोला था जब मुझे मेरी कज़न सिस्टर की शादी में वो पहनने थे। तो जब मैं इसकी अनबॉक्सिंग कर रही थी ना, तो वो भी उस वीडियो में है, फटाफट से जाके देख लेना वो वाला वीडियो भी इस वीडियो के बाद। तो जब मैंने वो शादी में पहने और सबको वो बहुत पसंद आया, तो जब सबने मुझसे पूछा कि आपने कहाँ से बनवाया, तो उसके बाद मैंने अपनी कज़न सिस्टर से पूछा कि उसने वो इयररिंग्स कहाँ से कस्टमाइज़ करवाए थे। तो उसने मुझे इंस्टाग्राम के एक पेज के बारे में बताया कि उसने वो वहाँ से कस्टमाइज़ करवाए हैं। उस पेज का नाम है hetalrewardhulaniya.com और वो बेसिकली अहमदाबाद गुजरात से हैं। वो अपना एक होम बिजनेस चलाते हैं और वो प्रोवाइड करते हैं लटकन, फ्लावर ज्वेलरी, दुल्हनिया इयररिंग्स, नेम इयररिंग्स, ब्रॉचेस और बहुत सारी चीज़ें उनके पास अवेलेबल हैं। उस पेज को आप विजिट करेंगे तो आप वहाँ पे देख सकते हैं कितनी प्यारी प्यारी चीज़ें वो लोग कस्टमाइज़ करवाते हैं। और तो मैं आपको अपने इयररिंग्स दिखाती हूँ कि वो मुझे कैसे रिसीव हुए थे और मेरे इयररिंग्स दिखने में कैसे हैं, अगर आप में से किसी ने नहीं देखे हैं तो। तो ये मुझे एक छोटे से कार्डबोर्ड बॉक्स पैकेजिंग में रिसीव हुए थे, बहुत प्यारा सा बॉक्स है ये, छोटा सा क्यूट सा। मैं इसे आपको खोल के दिखाती हूँ कि मुझे कैसे रिसीव हुए थे। सो ये कुछ इस तरीके से रिसीव हुए थे, अंदर इस तरीके की फॉली लगी हुई है बबल्स वाली, और फिर मुझे इसके अंदर मिला था एक इस तरीके का पाउच, आप देख सकते हो। और इसके अंदर ना मुझे एक नोट भी मिला था, वो मैं आपको पढ़ के बताती हूँ। सो इस पे उन्होंने लिखा था कांट वेट टू सी यू इन दिस, छोटा सा क्यूट सा ये एक नोट था उनकी तरफ से, और पीछे उन्होंने अपना नाम लिखा था हेतल रहेवार। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ मेरे इयररिंग्स। सो ये रहे मेरे दुल्हनिया इयररिंग्स, आप देख सकते हो। इसमें मैंने अपने हस्बैंड का नाम लिखवाया था, जब उसने मुझे फ़ोटो भेजी थी ना इयररिंग्स की, तो उसने सिर्फ दुल्हनिया लिखा हुआ था और उसने मुझे कहा कि आप इसमें कुछ भी लिखवा सकते हो। सो मैंने इसमें अपने हस्बैंड का नाम लिखवाया था, इसमें लिखा है मुकेश की दुल्हनिया, और आप देख सकते हो इसमें प्यारे प्यारे से घुंघरू लगे हुए हैं और इन घुंघरूज की क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है। और पीछे इस तरीके का हुक दिया हुआ है इसमें, जो बैक साइड है, बैक साइड से ये बिल्कुल प्लेन है और ये गोल्डन कलर से आउटलाइन हुआ हुआ है इसका, तो मुझे ये बहुत ज़्यादा प्यारे लगे थे और इनकी क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। मैं आपको इन्हें पहन के दिखाती हूँ। सो दीज आर माई ब्यूटिफुल दुल्हनिया इयररिंग्स, मुझे इतने ज़्यादा पसंद हैं, बहुत ही ज़्यादा। मुझे मतलब इतना रिग्रेट होता है कि मैं अपनी शादी में इन्हें क्यों नहीं पहन पाई, लेकिन बाकी अभी जो फंक्शन में मैंने पहना था, मुझे उसमें बहुत अच्छा लगा था। मेरे लुक में इन इयररिंग्स ने चार चांद लगा दिए थे, तो आउटफिट के साथ ये इतने अच्छे से मैच हो रहे थे, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आए थे और बाकी देखने वालों को भी बहुत ज़्यादा अच्छे लगे थे। सो आप देख सकते हैं जैसे बहुत हैवी लग रहे हैं, बट अगर आप इन्हें कान में पहनोगे तो ये इतने हैवी नहीं लगेंगे, मतलब आपका कान दर्द नहीं होने वाला है, लेकिन जो लुक वाइज है इनका ये काफ़ी हैवी लगते हैं।
मेरी जो मेहंदी का आउटफिट था ना वो ग्रीन कलर का था, तो मैंने उसे कहा था कि मुझे ग्रीन कलर में चाहिए। उनके पास और भी बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट कलर्स अवेलेबल हैं, सो आप कोई सा भी कलर अपने अकॉर्डिंग चूज करके उन्हें बोल सकते हो, वो उसी कलर में आपको इयररिंग्स बनवा के दे देंगे। इयररिंग्स का शेप भी आप यहाँ तक कि डिसाइड कर सकते हो कि कौन सी शेप में आपको चाहिए। जैसे कि इसमें घुंघरू मैंने इयररिंग्स देखे हैं उनके पास, जिसमें मोती वर्क हुआ हुआ है, और वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं। किसी में झुमके होते हैं नीचे, किसी में मोती वर्क होता है, तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ इयररिंग्स आपको वहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे। इनकी सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती है कि एज़ पर योर चॉइस वो आपको आपकी चीज़ कस्टमाइज करके देंगे। सो प्लीज़ चेक कीजिए उनका पेज इंस्टाग्राम में, काफ़ी अफोर्डेबल चीज़ें आपको एक ही जगह पे मिल जाएंगी, और टाइम टू टाइम उनकी चीज़ों में ना वेरिएंट आते रहते हैं, तो वो मुझे काफ़ी अच्छे लगता है क्योंकि मैं उनका पेज चेक करती रहती हूँ। सो मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी उनकी चीज़ें, आप भी एक बार जाके चेक कीजिएगा। पहले क्या होता था, जिसका मेन फंक्शन होता था शादी या एंगेजमेंट, तो वही अपने लिए कस्टमाइज करवाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अगर आप दुल्हन की फैमिली में से हो, दुल्हन की फ्रेंड हो, तो भी आप अपने लिए कस्टमाइज करवा सकती हो, ब्राइड मेड्स हो। और बहुत अच्छी बात यह है कि आप इसमें कुछ भी लिखवा सकते हो, जो आपका मन है आप इसमें लिखवा सकते हो। बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल है, आपको एज अ सैम्पल आप देख सकते हो कि आप इसमें क्या लिखवा सकते हो, और फिर अपने अकॉर्डिंग आप उसमें अपना नाम या किसी और का नाम या कुछ भी आप लिखवा सकते हो। तो मैंने आजकल देखा कि जो ब्राइड मेड्स होती हैं वो ऐसे इयररिंग्स पहनती हैं, उनमें लिखा होता है ब्राइड मेड्स, या फिर जो फ्लावर ज्वेलरी होती है वो सारे का सारा एक फैमिली ने सब कुछ वैसे ही पहना होता है सेम। तो इस तरह की चीज़ें आप कस्टमाइज़ करवा सकते हो, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है आजकल। तो अगर आपकी शादी होने वाली है, या आपकी फ्रेंड की शादी है, या रिलेटिव की शादी है, या कलीग की शादी है, तो आप इस पेज को जाके चेक कर सकते हो, आप अपने लिए चीज़ें कस्टमाइज़ करवा सकते हो। साथ ही साथ अगर आप किसी को गिफ्ट देना चाहते हो तो उनके लिए भी चीज़ें कस्टमाइज़ करवा सकते हो, बहुत अफोर्डेबल प्राइस में है। आप जाके चेक कर सकते हैं, उन्हें डीएम कीजिए और वो आपको रिप्लाई करेंगे, और अपनी अकॉर्डिंग आप कुछ भी कस्टमाइज करवा सकते हो। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और अगर आपके फ्रेंड फैमिली किसी में भी शादी हो किसी की, तो उसको ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि उनको थोड़ी सी हेल्प हो जाए और वो अपनी शादी को थोड़ा सा और अच्छा बना ले, अपनी चीज़ें कस्टमाइज करवा ले, क्योंकि हर लड़की का सपना होता है कि उसकी शादी में वो बेस्ट दिखे और सबसे अच्छी वो लगे। सो ऐसी चीज़ें जो उसको और उसकी सुंदरता को इन्हेंस कर दे, तो ऐसी चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल हैं कि फ्लावर ज्वेलरी होगी, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, हल्दी में हर एक लड़की फ्लावर ज्वेलरी पहन रही है। सो ऐसा कुछ अगर आपकी फैमिली में कोई फंक्शन है तो आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं, और अपने लिए अपनी चीज़ें एज़ पर योर चॉइस कस्टमाइज़ करवा सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बी ब्यूटीफुल एंड फील ब्यूटीफुल। बाय।